हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास नाइन्थ का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी बुक है स्पर्श, है ना। स्पर्श बुक से हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पार्ट का नाम क्या है, दुख का अधिकार। क्या पार्ट का नाम है? दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल, है ना। यशपाल जी ने इसे लिखा है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। वो अभी मैं आपको बताती हूँ। उनका जन्म 1903 और उनकी मृत्यु 1976, ये यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो दुख का अधिकार है क्या, यशपाल जी ने उसे क्या बताया, पहले यशपाल लेखक के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, उसके बाद फिर हम पाठ को शुरू करते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, उच्च शिक्षा लाहौर में पाई, है ना। उस समय तो हमारे देश का बंटवारा हुआ नहीं था, है ना। उस समय हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। तो जो इन्होंने उच्च शिक्षा अपनी जो ऊपर की जो पढ़ाई है इनकी, जो इन्होंने आगे जो पढ़ाई की है वो उन्होंने कहाँ पाई, लाहौर में पाई है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, यानी जब जिस समय भगत सिंह का जमाना था, है ना, उस समय भी क्रांतिकारी के रूप में बहुत से युवक वहां पर आए थे। तो उस समय यशपाल जी भी उनके साथ में लगे हुए थे, क्रांतिकारी के रूप में वो सामने आए थे, अपनी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। इन्होंने भारतीय आंदोलन जब हुआ तो उसमें भी इन्होंने डटकर भाग लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार और इतना जुल्म किया था, तो उसकी वजह से जो क्रांतिकारिता उभरी थी हमारे युवकों में, हमारे देश में, तो यही कारण था। और उसका वही उसी कारण से हमारे देश में जो क्रांतिकारी लोग जो उन्होंने उस समय उत्पात मचाए थे, भारतीय आंदोलन में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए डट कर भाग लिया था, है ना। तो यहाँ पे यशपाल भी वही थे, उसी समय के हैं जिस समय भगत सिंह थे, है ना। तो यहाँ बताया कि यशपाल यह मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, समाज को ऊपर मतलब उन्नत बनाना, यानी उसको कैसा बढ़ावा कैसे बढ़ाना, ये उसको बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? सामाजिक समानता। उन्होंने कहा कि हम जब अपने देश को, अपने समाज को जब उन्नत बनाएंगे तो हमारे लिए समाज में एक ही रास्ता क्या है, वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी, आर्थिक दृष्टि से भी, यानी फाइनेंशियल भी वो अच्छे होने चाहिए। तो ये हमारे में समानता, दोनों समानता, सामाजिक समानता भी होनी चाहिए, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया। क्यों उन्होंने उर्दू का भी प्रयोग किया? क्योंकि हमारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारे में मिला हुआ था, तो वो सारी लैंग्वेज जो भाषाएं हैं वो साथ में चलती थी। तो वो जब लेखन की दृष्टि से जब वो लिखते थे तो उसमें उन्होंने अपने उर्दू शब्दों का भी बहुत सा प्रयोग किया है, बेहिचक प्रयोग किया है, है ना। तो यहाँ पर जो कहानी हम वो बताने जा रहे हैं कि प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। दुख तो देखो सभी पर पड़ता है, चाहे कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, है ना। तो दुख जब आना है तो वो समान, मतलब दुख सभी पर पड़ता है, तो ये तो समान रूप से सभी बात हुई। गरीब पर भी पड़ता है, अमीर पर भी पड़ता है, लेकिन अपना अपने इसका भाग होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। अब जो अमीरी है, अमीरी में जो दुख पड़ता है वो उजागर नहीं होता है, है ना। वो जो भी है, वो जो अपने रूप से दुख तो पड़ता है, लेकिन वो अपने रूप में वो क्या कहते हैं, वो कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। कहने का मतलब जो गरीब रहते हैं उनका दुख विशेष रूप से उजागर हो जाता है, यानी वो सभी को दिखाई देने लगता है, है ना। तो यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, ये तो मान सभी की बात है कि दुख जब पड़ता है तो वो सभी, चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब हो, हर पर व्यक्ति हो, तो सभी को वो तोड़ देता है। दुख जब पड़ता है तो वो सभी को तोड़ता है।
दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख में मातम मतलब दुख जो है उसके जो मातम मनाते हैं वो हर कोई चाहता है, लेकिन दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। लेकिन दुख का जब सामना होता है तो फिर क्या हो जाते हैं, उसके आगे सब लोग बेबस से अवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। अब कुछ लोग ऐसी मजबूरी है लोगों के पास, गरीबी इतनी है कि वो गरीबी अपने अपने दुख को मनाए कि अवकाश मनाए, ये भी मनाने का उनके पास समय नहीं है। तो आज इसी माध्यम से हम ये दुख का अधिकार जो पाठ है उसको हम पढ़ते जाएंगे। आप लोग भी अपनी बुक लेकर बैठें और उसको ध्यान से देखें और पढ़ते जाएं, ठीक है। हम पढ़ते जा रहे हैं और समझाते भी जा रहे हैं। तो हम पाठ शुरू कर रहे हैं दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक मतलब वस्त्र, जो भी कपड़े आदमी का बोलते हैं ना स्टैंडर्ड कैसा दिखता है, जब आदमी का लुक यानी आदमी का जो पहनावा है उसी से आदमी की जांच और परख हो जाती है ना। तो ये कह रहा है लेखक, कह रहे हैं कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है ना। समाज में पोशाक ही ऐसी चीज है, वस्त्र यानी कपड़े ही ऐसे हैं कि पहनावा ही ऐसा होना चाहिए, तो वो उस समाज का एक पॉइंट बन जाता है जिसे कहते हैं कि उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी वो उसको बताना चाहती है कि ये किस दर्जे का व्यक्ति है। यदि व्यक्ति ने वैसा पोशाक पहना, वैसे कपड़े पहने, तो कपड़े देखकर समझ जाते हैं कि ये किस दर्जे का व्यक्ति है, किस स्थिति का व्यक्ति है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। और फिर क्या होता है, उससे हमारे जो दरवाजे, हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमारा पहनावे का तरीका है, लोग उससे समझ लेते हैं और उससे फिर क्या करते हैं कि वो अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। जैसे आपके रहने का तरीका अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे से अच्छे इसमें गिने जाओगे। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। ठीक है, हम अपना पहनावा, अपना स्टैंडर्ड हम अपने माध्यम से, सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब हम निचली श्रेणी मतलब नीचे जो स्तर के व्यक्ति हैं, जो समाज है, उसको यदि हम देखें तो हम उसे हम उसकी अनुभूति को समझना चाहते हैं। हम उसको वहाँ पे हम लोगों को समझना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको परखना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। उस समय यह क्या हो जाता है, पोशाक यदि हम अच्छे स्टैंडर्ड रूप में या अपने अपने पहनावे के साथ, अच्छे पोशाक के साथ यदि हम जाते हैं तो हम निचले स्तर के लोगों के पास जाएंगे तो वो हमारी अड़चन बन जाते हैं, हम उनके पास वैसे खुले तरीके से नहीं जा पाते, ऐसा लेखक का कहना है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, वो लहराते ही रहती है। वो देखा होगा आपने, हवा के साथ जब पतंग कट जाती है तो वो क्या करती है, एकदम से जमीन पर नहीं आती, वो क्या करती है, लहराते रहती है, हवा उसे लहराते लहराते नीचे जमीन पर उतारती है। तो उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। फिर उसी तरह से बोले, हम थोड़ा सा हमारा जो समाज है, हमारा जो रहने का तरीका है, हमारा जो पहनावा है, उस पहनावे से हम निचली श्रेणी के व्यक्तियों को यदि हम देखें तो वहाँ जाने में हमें हिचक सी महसूस होती है, वहाँ जाने में हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि वो उसी तरह से जैसे रोके रहती है, हवा जैसे कटी पतंग को रोके रहती है, वैसे ही हमें भी इस हमारी पोशाक जो है वो हमें इसी तरह से रोके रहती है, यानी झुकने से हमें रोकती है। ऐसी तात्पर्य यह है कि यदि हम निचले स्तर के व्यक्तियों को यदि देखना चाहें तो जो हमारी पोशाक, जो हमारा पहनावा है, उस पहनावे के साथ यदि हम उनके पास जाएं तो वो भी थोड़े से सहम जाते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में रहते हैं, है ना। और हम भी थोड़े से ये हो जाते हैं कि हम इनके पास जाएं तो किस तरह से जाएं, एकदम से हम जा नहीं सकते, वो हमें कहीं ना कहीं एक जगह रोकती है कि नहीं, हमें हम किस तरह से हम उसका सामना करें, है ना।
तो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। क्या हुआ कि बाजार जब निकले, जब ये लेखक बताते हैं कि जब बाजार में जब खरबूजों की एक डलिया में खरबूजों को लेकर बेचने के लिए जब वो स्त्री या औरत बैठी, तो वो स्त्री ऐसी थी कि मतलब वो वहाँ पर अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र, जैसे कि 50 या 60 के करीब जो भी होगी स्त्री, वो वहाँ पे बैठे रो रही थी और अपना चेहरा ढके वो रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? अब आगे कैसे बढ़ता, क्यों? क्योंकि वो जो स्त्री थी वे बेचने के लिए तो बैठी थी डलिया में खरबूजे, लेकिन लोग जाए तो कैसे जाए, क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, अपने घुटनों के बीच में वो चेहरा छुपा कर रो रही थी। ये औरत जो बैठी रो रही थी, उसे देखकर लोग थोड़े से सहम गए कि अब जाए तो कैसे जाए, इसे खरीदे तो कैसे खरीदे। अब कुछ बोले तो खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखकर फपक फपक कर रो रही थी। अब ले तो कैसा ले, वो तो फपक फपक कर रो रही थी। जो फपक कर रोना बोलते हैं ना, सिसक कर जो रोना होता है, वो रो रही थी, है ना। अब ऐसे समझ जाए तो कैसे जाए, लोग ले उसके पास से खरीदे तो कैसे खरीदे, क्योंकि वो अपना चूमो छिपाए रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो रही थी। अब बाजार में जो पड़ोस की दुकानें वाले तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री को देख रहे थे, है ना, घृणा की दृष्टि से उसे देख रहे थे। और पता नहीं बोले मुझे भी और उसके संबंध में जो बात हो रही थी, उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक कहने लगे कि वो ऐसा रो रही थी, उसके रोने से मुझे ऐसा मन में एक व्यथा सी उठी, एक मतलब एक सिलक से उठी कि मैं उसे जान पाऊँ तो कैसे, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अब वो सोचने लगे कि उसका उपाय क्या है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सपने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब बल मैंने जो जिस तरीके से कपड़े मैंने पहने थे, जिस तरीके से पोशाक मैंने पहने थे, वो पोशाक ही मेरे लिए व्यवधान थी, मतलब मुझे रोक रही थी कि मैं उसके पास जाऊं तो कैसे जाऊं और क्या बोलूं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा कर बैठी। एक व्यक्ति वहां पर आदमी जो था वो घृणा से एक तरफ थूकते हुए उसने कहा कि ये इस औरत को शर्म नहीं आ रही है कि वो ऐसी बैठी है और उसका लड़का अभी ही खत्म हुआ है और वो आज ही खत्म हुआ है और उसका सब करके ये आज खरबूजा बेचने के लिए यहाँ पर बैठी है। तो लोग उसे उस घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, है ना, लेकिन करते क्या करते। अब उसने क्या 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 जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। वो भी दूसरा व्यक्ति जो थे वो अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए बोल रहे थे कि जैसी नियत होती है वैसी ही अल्लाह बरकत भी देता है, मतलब जैसे जो जैसा रहता है उसको उसी प्रकार से यहाँ पर रहना पड़ता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ रोटी पर ध्यान देते हैं, ना वो बेटा जाने ना वो बेटी जाने, बस उन्होंने सिर्फ ना वो समाज का कोई व्यक्ति जाने, बस उन्होंने जो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं कि वो इस तरह से ये क्या जाने, ये कोई संबंध ही जानना नहीं चाहते जो उनके बने या बेटा बेटी या बहू बेटा जो भी हो, ये समाज को नहीं देखना चाहते लोग इस तरीके से, सिर्फ किसके लिए, रोटी के टुकड़े के लिए, यानी बेचने के लिए आई है वो औरत और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आई है, तो किसके लिए, रोटी पेट का मामला है तो वहाँ पे रोटी की बात आती है, तो रोटी के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए ये इस तरह से यहाँ पर आई है।
परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मेरे जिए का कोई मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे की धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। अरे नहीं, किसी का वो परचून वाली जो दुकान थी, जो दुकानदार था, वो ये कह रहा था कि भाई इसको नहीं अपना ध्यान था तो लोगों का तो ध्यान रखना चाहिए। 13 दिन सूतक छूट के होते हैं। 13 दिन जो जब भी देखिए कैसा होता है व्यक्ति का, ये इस धरती पर ही नियम बना है, मानव नियम बना है कि जन्म होता है तो भी 12 दिन की छूट रहती है। घर में पूजा पाठ आपने देखा होगा नहीं होती है, और व्यक्ति मरता भी है, व्यक्ति खत्म भी हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो भी वहाँ पे 13 दिन का सूतक मानते हैं, मतलब 13 दिन वो भी छूट के होते हैं। तो इस प्रकार से यदि लोग ये जान रहे हैं कि भाई समाज को तो देखना चाहिए, नहीं अपना ध्यान रखी तो कम से कम लोगों का तो ध्यान रखना चाहिए, कौन लेगा, उस जमाने की बात है ना, उस जमाने में तो बहुत छुआछूत को चलता था, लेकिन अब लोग उसके पास से खरीदे तो कैसे खरीदे, लोगों को मालूम था कि उसका बेटा खत्म हो चुका है, आज ही खत्म हुआ है, और उसको 13 दिन छूट मानना चाहिए, लेकिन अब माने तो किस तरह से, लोग ले तो उसके पास से तो किस तरह से, लोग पहले ही छुआछूत इस तरह से मानते थे। अब क्या होता है कि अब उसने कहा कि वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है, 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कौन जाने इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है, वो दुकानदार कह रहा है क्या अंधेर है, इसकी इसका जो इसके घर में तो छूत है, इसके पास का लिया हुआ कोई खा लेगा तो वो क्या क्या होगा उसका, लोग पहले इस चीज को बहुत ज्यादा मानते थे है ना। तो पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा घर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। जो लड़का था उसका जो कचियारी में, कचियारी मतलब जो खेत में, जो खेत खलिहान में जो बोया जाता है, ये किया जाता है, उसी से वो अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अब जो भी था इनके पास खरबूजा था, जो भी वो अपने खेत खलिहान में जो भी उनके खेत से आता था वो इसमें बेचने के लिए बैठ जाते थे, और इसी से उनका परिवार का निर्वाह होता था, मतलब परिवार का पालन पोषण होता था। अब लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस दिया। जब सांप ने लड़के को डस दिया तो वो उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब क्या करें, रोज के खाने कमाने वाले लोग वो इस तरीके से उन्होंने अपना कमाई का जरिया उनका एक ही था, जो खेत खलियान थी, उनका जमीन थी, उसी में वो अपना सब बोते पेरते और जो भी होता वहाँ से अनाज जो भी होता फल फूल वो यहाँ पे आके बेचते, बाजार में आके बेचते। लेकिन इस तरीके से बात हो रही थी, जिस समय वो औरत वहाँ पर आकर बेच रही थी बाजार में, उसी दिन उसका लड़का खत्म हो जाता है और वहाँ पे आकर वो बेचती है। तो लोग तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं है ना, और इस बातों से ये पता चलता है कि समाज निचली श्रेणी को इस ढंग से देखता है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके, थैंक यू।